चुनाव नतीजे से पहले कांग्रेस अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगी है। कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट को मतगणना से पहले खास दिशा निर्देश देने जा रही है ताकि मतगणना के दौरान कोई भी गलती या हेर फेर न हो सके। चुनाव नतीजों से पहले सभी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। मतगणना के दौरान कोई गलती या हेरा फेरी ना हो सके, इससे बचने के लिए कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश देने जा रही है। 26 नवंबर को कांग्रेस ने इन सभी लोगों को भोपाल बुलाया है। कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि कई प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में है, ऐसे में मतगणना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि हेराफेरी की कोई गुंजाइश ना रहे। यही लक्ष्य है उस ट्रेनिंग का कि जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया और हम कानूनी तौर पर किस तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी। क्योंकि जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोग जीत कर आएंगे, पहली बार जीत कर आएंगे, जो उनका ज्ञान नहीं होता है वो उनको बताया जाएगा सारी चीज़ें। और ये विशेष ये भी जो मैं कह सकता हूँ कि हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जो प्रिसाइडिंग व्यक्ति है उस टेबल का, उससे सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ताकि बाद में जब नतीजे घोषित होते हैं तो कोई घालमेल ना हो पाए। तो ये चीज़ें हैं और किस तरह से इंटरैक्ट करना है, क्या करना है, और पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू हो जाए पहले, और उसका जो डिक्लेरेशन है लास्ट राउंड के पहले हो जाना चाहिए, तो ये कभी कभी फॉलो नहीं होता है। और अगर पोस्टल बैलेट्स रह जाते हैं और लास्ट राउंड ख़त्म हो जाता है तो उसमें हेरा फेरी की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि वो बाय पोस्ट आते हैं तो उसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना बड़ा सरल है। मशीन में तो आप नहीं कर सकते, आपने बटन क्लिक दबाया और सारी फिगर्स आ गए, लेकिन पोस्टल बैलेट्स में और जहाँ मार्जिनल फ़र्क है सीटों में तो वो प्रभाव डाल सकते हैं। उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिरी राउंड की जो मशीनों से गणना होगी उसके पहले पोस्टल बैलेट्स के नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो जिनकी का प्रशिक्षण या जिसकी जानकारी, बहुत से लोगों को जानकारी का अभाव है, वो देना है। और फिर अपने जो उनके गणना एजेंट्स हैं वो क्या कैसे करें, क्या करें, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।